हे गाइस, तो मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी और अभी जस्ट मैं फ़ोन निकाली हूँ, आँख दर्द हो गया। और हम लोग जा रहे हैं चालसा मम्मी लोग का घर में, और इबू और अजय खड़े हैं और हम लोग स्कूटी लेके ही जा रहे हैं गाइस, क्योंकि वहाँ पे जाके ना मैंने 8 किलोमीटर जैसे अंदर है हम लोग का, 10 किलो हो जाएगा होगा, 10 किलोमीटर, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलता है गाड़ी वगैरह, तो इसलिए स्कूटी लेके ही जा रहे हैं घर, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है घर जाके, तो निकल तो नहीं बनता है, तो इसलिए स्कूटी लेके जा रहे हैं गाइस। और तो आँख दर्द हो रहा है मेरा, तो चलिए फिर रुक के मिलते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग चाय पीने के लिए घुस रहे हैं। और सो गाइस, यहाँ पे हम लोग ये कोरोनेशन ब्रिज सेबोक के पास हम लोग थोड़ा चाय ऑर्डर किए हैं, तो चाय पी के जाते हैं, ठंडा लग गया था आते आते स्कूटी में, बट बहुत ही मज़ा आया इसे, मैंने शुद्ध हवा, मैंने इसे नेचर को देखते देखते आते ना इसे खुला में मज़ा ही कुछ और है। चाय वो पीना हो गया है और अजीब को थोड़ा ठंडा लग रहा है, तो ये उसका स्वेटर निकाल रहा है, हम लोगों ने सबसे हल्का स्वेटर डाल पहना दिया। मैं देखती हूँ, मुझको अभी तक ठंडा लगा नहीं है, अब मेरा पूरा अंदर में ही ऐसा आया, तो मैं घर जाते ही लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी। मेन ये नदी वगैरह तो हम लोग पार हो गए, तो इतना ठंडा नहीं लगेगा। और हम लोग सोच रहे हैं कि बस या कुछ मिलने से हम लोग इबू और मैं बस माल बाजार तक जाएंगे, और उधर से मैंने चालसा से फिर स्कूटी में जाएंगे, क्योंकि हम लोग को उधर ना गाड़ी वाड़ी नहीं चलती है, जिसका बाइक वूक है उन्हीं लोग का मैंने को है उस टाइप से, और कोई ऐसे ऑटो फोटो कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं चलती है, खाली है। वैसे हम लोग यहाँ पे ना इबू और मैं बस में जाएंगे, इसलिए यहाँ पे चाय पी लिया है, और अभी 3:30 हो गया है, तो वहाँ पे रात होने से पहले घुसना पड़ेगा, क्योंकि हाथी सब आता है ना हम लोग का बगन, 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर घुसना पड़ता है, तो ऐसे चीता वगैरह भी निकलता है, तो उसके लिए हम लोग को जल्दी पहुँचना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कबूतर सब कितना अच्छा लग रहा है, तो ये है देखिए, ये सेबू हम लोग का तीस्ता नदी, तो काफ़ी डीप है, बट मैं ऊपर से साइड से वीडियो ले रही हूँ, थोड़ा बहुत ही बहुत बार मैं दिखा चुकी हूँ अपने वीडियो में, तो बस में जाएंगे तो रजब जल्दी से आ जाएंगे, तो इसीलिए अभी मैं और इबू यहाँ पे स्ट्रीट बस मैंने पहुँची गई थी, तो उसमें चढ़ गए हैं, और मैं और इबू हम लोग बस में निकल गए। इबू काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करती है इसे, बट उसको स्कूटी में ही जाना था, काफ़ी मज़ा आ रहा था, मम्मी स्कूटी में जाएंगे बोल के, तो मैं बोली उधर उतर के फिर हम लोग स्कूटी में जाने वाले हैं, क्योंकि अभी लेट हो जाएगा, तो समझा दी तो समझ गई मेरी बेटी। गाइस, अभी हम लोग माल बाज़ार पहुँचे हैं, बस से आ रहे हैं और अजीब पहुँचने वाला है 10 मिनट में, तो अभी कुछ कुछ लेते हैं माल बाज़ार से, उसके बाद जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे ना हम लोग माल बाज़ार मैंने उतरने के बाद थूपा और मोमो नहीं खाएंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। अभी टाइम हो रहा है 4:30, तो सबसे पहले इबू को भी भूख लग गई है, तो मोमो मंगा लेते हैं इबू के लिए, राजीव और इबू मोमो खाएंगे बोले, तो मैं खाऊँगी थूपा, तो फटाफट से खाने के बाद यहाँ से टाइम हो रहा है 4:30 होने वाला है, और हम लोग मोमो खाने के बाद हम लोग निकल गए हैं माल बाज़ार से घर के लिए, तो अभी है माल बाज़ार में, कल कस्टमर पहुँचने वाले हैं माल बाज़ार से। गाइस, यहाँ पे हम लोग अपना गांव घुसने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए घुसते ही आपको देखने को मिलेगा ऑफिस और हॉस्पिटल, और ये दूसरा कंपनी था, बट अभी कितना साल, कुछ ही साल हुआ है जो कि हम मैंने गुडरे कंपनी ने ख़रीद लिया है। और यहाँ पे एंटर करते ही हम लोग का ये गेट है, जो कि आई विल टी गार्डन का गेट, और यहाँ से आपको छोटा सा ये फैक्ट्री मिलेगा, और ये डिविजन है हम लोग का, और यहाँ पर आप लोग का ये हम लोग का बड़ा हॉस्पिटल, जो कि ये है देखिए, काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा भी है ये हॉस्पिटल, और ये देखिए, तो ये है डिवीज़न में है ये हॉस्पिटल, और हम लोग का हॉस्पिटल आई विल मैंने टी गार्डन का अंदर में, और भी दूसरा हॉस्पिटल भी है, तो यहाँ पे यहाँ से शुरू होता है गाइस हम लोगों का चाय का बगान,
और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लगता है आपको ये सब देखने के लिए। देखिए मैं जितना हो सके मैं वीडियो कैप्चर कर रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर गाइस, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपको मेरा मैंने मायका लेके चल रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी मेरा वीडियो में बने रहिए, एक दो दिन में अपना मायका जितना दिन में रहूँगी, एक दो दिन ही रहेंगे तो सारा वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए रास्ता, और रास्ता का नज़ारा देखिए, मैं म्यूजिक ऐड करती हूँ गाइस। तो अब मैंने ये रास्ता का गाइस, यहाँ पे ना आपको वीडियो हिल रहा है, मैंने हम लोग गाड़ी स्पीड से ही चला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना हाथी चीता सब मिलता है आपको रास्ते पे, और थोड़ा सा शाम हो जाने से मैंने बहुत ही डर लगता है, डर का ही बात है क्योंकि ये चाय बागान का बीच बीच से ही रास्ता है। और यहाँ पे आपको नौ से दस किलोमीटर आपको अंदर घुसना पड़ता है हम लोग का चालसा से। तो रास्ता तो काफ़ी अच्छा है, व्यू भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर पूरा वीडियो ही हिल रहा है मेरा। तो चलिए फिर म्यूजिक डालती हूँ, आप लोग व्यू का मैंने एंजॉय। यहाँ पे हम लोग मैंने बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मैंने जा रहे हैं क्योंकि हाथी और चीता सबका डर होता है, तो इसलिए वीडियो आपको हिलता दिख रहा है वीडियो में। तो फाइनली गाइस हम लोग मैंने गांव घुस रहे हैं, तो अभी थोड़ा डर नहीं लग रहा है, नहीं तो वहाँ पे ना हाथी होते निकलता है तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आए हम लोग। तो गाइस अभी गाँव आने के बाद मैं यहाँ पे किचन में हूँ, मैं दिन को अच्छे से दिखाऊंगी आप लोगों को। ये सब मैंने ऐसे मिट्टी का किचन होता है, तो ऐसे हम लोग का ये वाला भी किचन है, गैस बना मैंने गैस रखा हुआ है उधर, और यहाँ पे ये मिट्टी का मैंने चूल्हा वाला किचन। और मिट्टी का गांव में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, बिल्कुल मिट्टी का एक्स्ट्रा से बना लिए हैं, बट मैं दिन को ही दिखाऊँगी, पूरा तरह फैला हुआ ही है, लाइट भी उतना अच्छा से नहीं आ रही है। तो चलिए फिर खाना वाना बनाऊंगी, भात के लिए मैंने पानी बैठा दिया यहाँ पे, अभी चिकन बनाऊंगी, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। गाइस गुड मॉर्निंग, कंटिन्यू नहीं हो पाया रात का वीडियो, और ये है सैटरडे मॉर्निंग का वीडियो। तो यहाँ पे नाश्ता उस्ता बन रहा है, तो आइए आप लोग को दिखा रहे हो हमारे गांव का चूल्हा चौखा। तो यहाँ पे देखिए ये दो मुखा चूल्हा, यहाँ पे एक तरफ गर्म पानी है गाइस, और यहाँ पे मैं रोटी बनाने वाली हूँ, और मेरी मम्मी ड्यूटी भी चली गई है, तो हम लोग थोड़ा लेट उठे हैं, मधु लोग जल्दी उठ। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो अभी मैं किचन में हूँ, ये मिट्टी का हम लोग का किचन, और यहाँ पे मैं अभी रोटी बनाने वाली हूँ, और इधर है गर्म पानी, हमेशा बैठा रहता है चूल्हा में, और इधर देखिए दिखा रही हूँ। यहाँ पे उठ के ही चिंटू बिंटू लोग शुरू हो गए हैं खेलने के लिए, जॉर्डन इबू, और यहाँ पे राजीव कुछ को बना रहे हैं, और मैंने कुछ कुछ ये लोग के लिए मैंने बना रहे खेलने के लिए, एक ही तो खिलौना, लेकिन इतना झगड़ा कर रहे दोनों जन। तो गाइस अभी नाश्ता उस्ता करके बैठे हैं, और अभी टाइम हो रहा है 10:30, और यहाँ पे टाइम टेबल का कुछ पता नहीं चल रहा है, और सब तरफ काम ही काम है, घर में आके देख रहे, इधर भी साफ़ सफाई करना है क्योंकि घर में दो ही जन रहते हैं, तो ऐसे ही है हम लोग का घर का कंडीशन अभी। और इधर ही बोलो पूरा बच्चा पार्टी कर रहे हैं, धूल मिट्टी बालू, तो देखते हैं। यहाँ पे तो नेट नहीं चल रहा है, सारा वीडियो मैं घर जाके अपलोड करूँगी, आप लोग वहीं पे जाके देख पाएंगे। सो गाइस अभी हम लोग थोड़ा जा रहे हैं माल बाजार, घर से थोड़ा ईबू के लिए थोड़ा प्रार्थना कराने जा रहे हैं, हम लोग फास्टर टाइप से प्रार्थना करते हैं, तो वहीं पे जाके आते हैं, खाना वाना खा के निकल गए, यहाँ पे टाइम हो रहा है 1, तो क्योंकि शाम होने से पहले वापस आना है। हम लोग का ये है लेबू के गार्डन, अभी आप देख सकते हैं रास्ता तो दोनों तरफ है, टी गार्डन चाय का बगान, और काफ़ी बहुत सारा हरियाली है, बहुत ही फ्रेश शुद्ध हवा यहाँ पे है, जो कि आपको अपने आप आने से फ्रेश लगता है यहाँ पे। चलते हैं गाइस,
उधर का नज़ारा दिखाऊंगी आपको। गाइस ये है गोरोबथन जाने वाली रोड और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे रानी चीरा बागान इबो के लिए प्रार्थना कराने के लिए। गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं रानी चीरा बागान से और हम लोग थोड़ा प्रार्थना कराने के लिए आए थे इबो के लिए, तो अभी निकल गए हैं। शाम होने को गए, अभी 4:10 हो गया है गाइस। तो और स्कूटी लेके चलो, थोड़ा चलो ना। स्कूटी लेके आने का फ़ायदा ही हुआ है क्योंकि हम लोग का घर घुसने से कुछ भी नहीं मिलता, गाड़ी उड़ी हम लोग को उधर गाड़ी उड़ी चलती नहीं है और इतना किलोमीटर एटलीस्ट 9-10 किलोमीटर हम लोग का अंदर है मेन रोड से, तो हमें बहुत ही दिक्कत हो जाता है गाइस। तो स्कूटी लेके आने का मतलब यही था, हम लोग को ये काम सब भी करना था इसलिए स्कूटी भी लेके आए हैं। कभी जाने आने के लिए टेंशन नहीं हुआ, नहीं तो फिर आपको गाड़ी रिजर्व करके बहुत ज़्यादा खर्चा उर्चा हो जाता है और मुझे टाइम टू टाइम नहीं होता है ना इसे में कहीं पर जाना आना। तो अभी हम लोग फ्री हो गया, अपना काम भी हो गया, अभी जा रहे हैं फ्री हो गए। तो चलिए फिर गाइस थोड़ा मल बाजार में कुछ दिन बाद खा लेती हूँ ना बेटू, तो हम लोग खाते हैं चलिए माल बाजार। हालांकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और थोड़ा घूमना था, देखते हैं वे कैसे क्या कर रहे हैं गाइस। तो चलिए अभी बने रहिए मेरे साथ। चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, बेल आइकन के घंटी को भी दबाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।